आत्मा और अनात्मा का संबंध सहित संबंधी का अध्यास भी समझ में नहीं आ रहा संबंध सहित संबंधी का अध्यास अर्थात क्या संबंध मतलब जो रिलेशन है संबंधी मतलब जिसका रिलेशन है जैसे शरीर मेरा है और शरीर मैं है अब इसमें दो चीजें एक हुआ मैं एक हुआ शरीर अब शरीर के साथ मेरा संबंध भी है अब कहो हम शरीर नहीं है आपको समझ लग गई हम शरीर नहीं है पर भूख प्यास इस शरीर की आपको पता चलेगी कि दूसरे के शरीर की पता लगनी शुरू हो जाएगी इस शरीर में जो मन है उसके दुख सुख का पता चलेगा कि दुख सुख दूसरे के मन का पता चलना शुरू हो जाएगा इस शरीर के साथ जो ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री है उसकी क्रिया का ज्ञान होगा कि दूसरे की क्रिया का ज्ञान होने लग जाएगा अब देह मैं नहीं हूँ पर देह के साथ मेरा संबंध है तो संबंध सहित संबंधी का अध्यास मतलब देह मेरा है ये एक संबंध बना और इसका संबंधी यहाँ कौन है इसमें मैं हूँ जो इस देह को मेरा अब ख्याल करो देह नहीं बोल रही है कि आत्मा मेरा आत्मा कह रही है देह मेरा आत्मा माने यहां मैं मन बुद्धि को कह रही हूँ आपका मन बुद्धि बोलता है ये देह मेरा देह थोड़ी बोल रहा है कि मन बुद्धि मेरा देह तो जानता ही नहीं कि कोई मन बुद्धि नाम की चीज भी है दे नहीं जानता दे जड़ है क्योंकि जानने मानने का क्रम जो है वो बुद्धि का है और बुद्धि अपने आप में जड़ है अजीब बात देखो बुद्धि अपने आप में जड़ है शरीर अपने आप में जड़ है पर इस शरीर इस इंद्रिय इस मन इस बुद्धि के साथ मेरा संबंध है तो संबंध सहित संबंधी मतलब जिसने ये संबंध को अनुभव किया जिसने जाना वट इज द रिलेशनशिप आत्मा और अनात्मा का देह बुद्धि अनात्मा हो गया मैं आत्मा हो गया तो मुझ आत्मदेव का इस देह से क्या संबंध है उस संबंध को जानने वाला और उस संबंध को भोगने वाला तो आत्मा का अनात्मा से संबंध सहित संबंधी का अध्यास है अध्यास मतलब मिल जाना एक हो जाना और उसमें देह में लगने लग जाए मन में लगने लग जाए बुद्धि में लगने लग जाए इंद्रिया में लगने लग जाए और ये मैं है नहीं तो इंद्रिय शरीर और मन के व्यवहार को अपना व्यवहार जानता है जो यही अध्यास तो तुम्हारे दुख का कारण है और अध्यास का कारण है आपका अज्ञान इसलिए जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी तब तक अध्यास नहीं जाएगा जब तक अध्यास नहीं जाएगा दुख जाएगा ही नहीं इसी अज्ञान और इस अज्ञान के अध्यास के कारण ही तो जीवन में दुख है और इस अध्यास की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान तुम्हारी मोटी बुद्धि समझती नहीं है अद्वैत वेदांत स्वरूपाय आय च जो निर्गुण है जो अद्वैत स्वरूप है अद्वैत मतलब जहां दो है ही नहीं और जो निर्गुण स्वरूप है यह शंकर की उपासना करते हुए में कहा जा रहा है अद्वैत स्वरूप वेदांत स्वरूप निर्गुण स्वरूप बोधमय बोधमयी जिसका स्वरूप है पर दुनिया भर के भक्तों के लिए शिव कुछ और है हम कुछ और है और पुराण की दृष्टि से तो वो द्वैत की ही बात करते रहते शिव तो ब्रह्म है बाकी सारे जीव हैं अद्वैत वेदांत की बात सिवाय वेदांत की ओर कोई नहीं करने वाला अब ये जो बारीकी है ये जब तलक ज्ञान नहीं होगा तब तक समझ नहीं पड़ती बात अद्वैत क्या है निर्गुण क्या है मैं क्या है आत्मा क्या है शरीर क्या है जब तक ये जानेगा ही नहीं तब तलक बोधमयी स्वरूप में कैसे आएगा सो so, मैं को जो ये शरीर मैं लग रहा है मैं को जो ये मन मैं लग रहा है मैं को जो ये बुद्धि मैं लग रही है यही तो अध्यास है अध्यास माने भ्रम अध्यास मतलब पुलेखा, गलती कंफ्यूजन ये बदलने वाला अन्न कोश में नहीं हूं बट इसी अन्यमयी कोष से कई लोग कहते हैं अच्छा मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी कि शरीर नहीं रहेगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो ही नहीं सकती बहुत लोग मरने को मुक्ति बोलते रहते हैं मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी मरेंगे तो मुक्ति हो जाएगी मरेंगे तो शरीर मरेगा कि तुम मर जाओगे तुम्हारा मन नहीं मरने वाला मन तो वैसे का वैसा रहेगा मन की वासनाएं वैसी की वैसी रहेंगी मन के किए पाप पुण्य कर्म वैसे के वैसे रहेंगे और उस पाप पुण्य के कारण फिर जन्मोगे कहानी तुम शरीर के मर जाने से थोड़े खत्म हो जाती कि दी एंड नाउ नथिंग इज गोइंग टू हैपन ये चलेगी कई बार कई लोग दुख से पीड़ा से कहेंगे कभी जन्म ही ना हो हमारा कभी जन्म ही ना हो अब उन्हें कौन बताए तुम्हारा जन्म तो अभी भी नहीं हुआ है पर तुम सबको मैं जन्मा हूं ये लग रहा है तुम्हारी मौत हो ही नहीं सकती है पर हमें मौत से डर लगता है ये तुम्हारा अनुभव है तो यही तुम्हारे अज्ञान यही तुम्हारे अध्यास का तो प्रमाण है दट इज वेरी एविडेंस कि आपके मन में वो अंधेरा पड़ा हुआ निकला ही नहीं वो अब कोई बाहर शिव जी पे जल चढ़ा रहा है कोई बाहर जाके कृष्ण जी को प्रणाम कर रहा है और उन्हें लगता है इतने में भक्ति पूरी हो गई शिव क्या है कौन है उसका स्वरूप क्या है जानते नहीं कृष्ण क्या है कौन है उसका स्वरूप क्या है जानते नहीं वो बिल्कुल प्रारंभिक कक्षाओं में है अभी छोटे बच्चों का प्ले स्कूल होता ना बस वो वो ही प्ले स्कूल में है अभी आत्मा क्या ये पता नहीं परमात्मा क्या ये पता नहीं दोनों का संबंध क्या है ये पता नहीं शरीर से हमारा संबंध क्या है ये पता नहीं पता कुछ है नहीं पर भक्ति चल रही है मंजीरे बज रहे ढोल के बज रही कीर्तन हो रहे सिर बज रहे तालियां बज रही सब बज रहा है बस अज्ञान नहीं भाग रहा वो अपनी जगह में बैठा हुआ है तो यह भक्ति का स्वरूप ही नहीं है आप किसकी उपासना कर रहे हो उसके स्वरूप का परिचय तो करो और उपासक कौन है जो उपासना कर रहा है वो कौन है पहले उसके स्वरूप को तो जानो तो मैं क्या है मतलब आत्मा क्या है ये जानना और अनात्मा मतलब दे मन बुद्धि विशेष संसार क्या है यह जानना फिर इसका हमारा आपस का रिलेशन जुड़ कैसे गया क्या सच का रिलेशन है या यह भी एक भ्रम है और अगर यह भ्रम है तो उस भ्रम की निवृत्ति करें